हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई एम मोनिका गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 3 इन साइंस विच इज़ वाइल्ड एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन क्लास 1। वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट। वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। सो वाइल्ड एनिमल्स, लेट्स स्टार्ट। There are large number of different kinds of animals on the earth. Some animals such as cows and dogs live around us. Some animals such as lions and bears live in the forest. Animals that live in forest or jungle are called wild animals. देखो, काफ़ी kinds के animals होते हैं, wild भी होते हैं, domestic भी होते हैं। जो animals forest में रहते हैं वो कौन से होते हैं? Wild animals। सम एनिमल्स जैसे काउस एंड डॉग्स लिव अराउंड अस। जैसे काउ, डॉग, शिप, ये सब किसके अराउंड रहते हैं? हमारे अराउंड। तो वो कौन से एनिमल होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। बट जो फॉरेस्ट में रहते हैं दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जैसे टाइगर, हम टाइगर कहाँ, आपको कहाँ दिखेगा टाइगर? फॉरेस्ट। लेपर्ड, लायन, बियर, जिराफ, एलिफेंट, जैब्रा, डियर, क्रोकोडाइल एंड फॉक्स आर सम वाइल्ड एनिमल्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। दे आर different types of animals, wild animals and domestic animals. Animals which lives around us, जो हमारे आस पास ही रहते हैं, are called domestic animals, and animals that live in forests are called wild animals. Now next, now look, giraffe. Giraffe lives in forest. Leopard also lives in forest. Deer also lives in forest. Rhinoceros in forest. Zebra also lives in forest. Lion also lives in forest. So these are the wild animals. Animals that lives in forest are called wild animals. Okay, giraffe has a long neck. ये giraffe की speciality होती है. Zebra has black and white stripes on its body. Homes of wild animals. अब homes of wild animals, अब अगर वो forest में भी रहते हैं तो उनके homes अलग अलग होते हैं. Like animals live in different places all over the earth. हर जगह, काफ़ी जगह animals water में भी, land में भी रहते हैं, mountains में भी रहते हैं. Different animals live in different ways. Some live on water, land, some in water and some on trees. देखो, animals land पे भी होते हैं, water में भी होते हैं and trees पे भी रहते हैं. Some animals such as elephant, deer, tiger, zebra and giraffe roam around in the forest. ये animals होते हैं जो आपको forest में घूमते हुए, roam around means घूमते हुए नजर आएंगे forest में. जैसे elephant, deer, tiger, zebra, giraffe. And so many more. Most of them rest under the shade of the trees. अच्छा, कहाँ rest करते हैं? Under the shade of the tree. मतलब पेड़ की छाँव में, under the shade of the tree. ये कहाँ rest करते हैं? वैसे forest में roam करते रहते हैं. But when they get tired, they rest under the shade of the tree. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता, like we have a home, इनके home नहीं होती है, home बना के नहीं रखते, but they rest under the shade. Lion takes shelter in a den. Lion का रहता है, look in the picture. Lion takes shelter in a den and bear lives in cave. कहाँ रहते हैं ये? Den and cave is a type of, den and cave is similar in some way and different in some way. Now next. Most of the birds make nests to lay eggs. Whale, dolphin, octopus, seahorse and many other fishes live in water. देखो, animals तो कहाँ रहते हैं? Land पे. लेकिन कुछ birds होती है जो कहाँ रहती हैं? ट्रीज पे रहती हैं. और वो क्या फॉर्म करती हैं वहाँ पर, क्या बनाती हैं? दे मेक नेस्ट टू ले एग्स, ताकि अपने एग्स को ले कर सकें. उनके एग्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में, ऑन द ट्री. व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड मैनी अदर फिशेस, ये एनिमल्स वो होते हैं विच लिव्स इन वाटर. दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सम एनिमल्स सच एस क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स, टॉर्टाइस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. अब देयर सम एनिमल्स विच लिव इन बोथ, लाइक वो लैंड पे भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं. जैसे क्रोकोडाइल आपको वाटर में भी दिखेगा बट लैंड में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है. फ्रॉग ऑल्सो लिव्स इन वाटर एंड लैंड, जब पानी होगा तो वो पानी में भी और बाद में लैंड पे भी रह सकता है. टॉर्टाइस भी दोनों जगह रह सकता है. कुछ ऐसे होते हैं जो हर जगह रह सकते हैं. सॉयल इज होम टू मैनी एनिमल्स. अब देखो, होम टू मैनी एनिमल्स मीन्स होम क्या होता है? जहाँ पे आप रहते हो. तो काफ़ी एनिमल्स सॉइल में भी रहते हैं. अब सॉइल के अंदर क्या करते हैं? वो बरो, बरो में रहते हैं, टनल डिक करके. लाइक एनिमल्स सच एज स्नेक, मोल, रैबिट, मॉन्गूस, स्नेल एंड अर्थवॉर्म मेक बरोज और होल्स इन द ग्राउंड. क्या करते हैं? बरो या होल करके ग्राउंड में, और ग्राउंड में रहते हैं. ये कुछ एनिमल्स होते हैं. जैसे कोई एनिमल्स लैंड पे, सम लिव्स इन वाटर एंड सम इन सॉइल. Animals such as polar bear and penguin live in ice covered area.
अब पोलर बियर और पेंगुइन कहाँ रहते हैं? आइस कवर्ड एरिया, मीन्स एरिया विच इज कवर्ड विद आइस, जहाँ पे आइस होता है, लाइक नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन विच इज कवर्ड विद आइस, वहाँ रहते हैं पोलर बियर एंड पेंगुइन. वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड. नाउ लुक, ऑक्टोपस लिव्स इन वाटर. लुक इन द पिक्चर, ऑक्टोपस कहाँ है? वाटर में. क्रोकोडाइल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. देखो, क्रोकोडाइल वाटर में भी रहता है एंड समटाइम्स ऑन लैंड ऑल्सो. रैबिट लिव्स इन अ बरो, वो सॉइल के नीचे होल या टनल बोर करके रखता है, लिव्स इन बरो. वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड. ऑल वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. अच्छा, सारे वाइल्ड एनिमल्स सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते, एक जैसा फूड नहीं खाते, अलग अलग खाते हैं. कुछ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, कुछ डेड एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, और कुछ अगर कुछ बच जाता है तो उस पे डिपेंड होता है. लाइक सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट, डियर, जेब्रा, जिराफ एंड हिप्पोपोटामस ईट ग्रास, फ्रूट्स, लीव्स एंड प्लांट्स. देखो, ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं? ग्रास, फ्रूट्स, लीव्स एंड प्लांट, बेसिकली रिलेटेड टू प्लांट, प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें ये खाते हैं एनिमल्स. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. अच्छा, जो भी एनिमल्स क्या खाएंगे? प्लांट. सो उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल दैम प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. हर्बीवर्स में काउंट किया जाता है हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स. तो हम उनको किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? इन हर्बीवर्स में. अ मंकी इज ऑल्सो हर्बीवरस एज इट ईट्स फ्रूट्स एंड नट्स. मंकी भी हर्बीवरस ही होगा क्योंकि वो फ्रूट्स और नट्स खाता है, बट वो फ्लैश नहीं खाता या किसी अदर एनिमल्स को नहीं खाता. सच एनिमल्स लिव इन ग्रासलैंड्स और प्लेसेस डेट हैव लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस. देखो, ऑब्वियसली अगर वो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट पार्ट्स खाते हैं तो वो ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे. तो कहाँ लेते हैं? ग्रासलैंड्स में रहते हैं. ग्रासलैंड्स एज अ नेम इंडिकेट, वो लैंड जहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस हो. और प्लेसेस इस ऐसी कोई जगह जहाँ पे ट्रीज हो, बुशेस हो, हर्ब्स हो वहाँ पे, ताकि वो सर्वाइव कर सके, फूड कर सके. जैसे एलिफेंट देखो ग्रास खा रहा है, मंकी देखो बनाना, क्योंकि फ्रूट्स पे या ग्रासेस ये सब खाते हैं. नाउ नेक्स्ट, सो सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, लायंस, क्रोकोडाइल, वॉल्फ, टाइगर, लियोपर्ड एंड स्नेक हंट स्मॉलर एनिमल्स फॉर फूड. देखो, अभी हमने वो एनिमल्स पढ़े थे विच ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स, लीव्स, फ्रूट्स, स्टैम, ये सब चीज़ें खाते हैं, जिन्हें हमने क्या कंसिडर किया था? प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. बट देर आर ऑल्सो सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स वो भी होते हैं जो उनसे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं. लाइक देखो, फ्लैश, उनका फ्लैश खाते हैं या उन्हें खाते हैं, लाइक लायन, क्रोकोडाइल, वॉल्फ, टाइगर, लियोपर्ड एंड स्नेक. ये क्या करते हैं? प्लांट्स नहीं खाते, दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर स्मॉलर एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. जैसे वहाँ पे एनिमल्स प्लांट्स खा रहे थे तो वी कॉल्ड इट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, बट यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स वो खाते हैं, तो वी कॉल्ड दैम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवरस. क्या बोलते हैं हम इन्हें? कार्निवरस. These animals live in the part of the forest that have lots of prey. अब कहाँ रहते हैं ये? फॉरेस्ट में. अब प्रे क्या होता है? एक स्मॉलर एनिमल, बड़ा एनिमल जो छोटे एनिमल को खाएगा, तो छोटे एनिमल को कहा जाता है प्रे. अ स्मॉलर एनिमल दैट इज हंटेड फॉर फूड इज कॉल्ड अ प्रे. तो छोटा एनिमल जो बड़ा एनिमल खाता है, तो वो छोटा एनिमल को कहते हैं हम प्रे, और जो खा रहा है उसे हम कहते हैं प्रेडेटर. देखो, जैसे इस पिक्चर में आप देखो, स्नेक खा रहा है फ्रॉग को, तो ये फ्रॉग क्या होगा? आपका प्रे, और स्नेक क्या होगा? प्रेडेटर. हमने हर्बीवोरस पढ़ा था जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, कार्निवोरस विच ईट ओनली फ्लैश, बट देर आर ऑल्सो वन कैटेगरी विच इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस में कौन से एनिमल्स आते हैं? विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो हम किस में कंसिडर करते हैं? ओमनिवोरस में. अ हाइन इज अ कार्निवोरस दैट फीड्स ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्रे लेफ्ट बाई टाइगर्स और लायंस. अब देखो, टाइगर्स और लायन ने या किसी ने, स्नेक ने बहुत सारे डेड एनिमल्स को खा लिया, लेकिन जब कुछ बच जाता है, द रिमेनिंग पार्ट, तो वो कौन खाता है? कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं? वो होते हैं स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो कार्निवोरस दैट फीड्स ऑन द डेड रिमेन्स. क्योंकि जब कार्निवोरस एनिमल्स ने किसी एनिमल्स को खाया, तो कुछ डेड रिमेन्स, अगर कुछ रिमेनिंग पार्ट बचता है, तो वो ये खाते हैं ऑफ द प्रे. वल्चर्स, जैकल एंड वाइल्ड डॉग आर ऑल्सो स्कैवेंजर्स. जैसे यहाँ देखो, स्कैवेंजर वल्चर है, ये किसी डेड एनिमल को खा रहा है, जैसे किसी टाइगर ने इसको खाया होगा, बट अगर कुछ लेफ्ट रह गया, कुछ रिमेनिंग रह गया, तो ये वल्चर खाता है. ये होते हैं स्कैवेंजर्स में आते हैं. इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स
एज दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन. अब देखो टाइगर ने, लायन ने, इन्होंने कुछ ही एनिमल को खाया, नाउ दे आर फुल. अब उनको अगर एम्प्टी नहीं है, अगर वो नहीं है, उन्हें भूख नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उस एनिमल को वहीं छोड़ देते हैं. अब कौन उनको खाता है, स्कैवेंजर्स. तो जब स्कैवेंजर्स उन्हें खाएंगे तो वो जगह भी क्लीन हो जाती है, द प्लेस विल गेट क्लीन. तो स्कैवेंजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स एज दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन. तो वो क्या करते हैं, जंगल भी क्लीन कर देते हैं. सम एनिमल्स फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर. जैसे अभी आपको बताया था, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम किस में करते हैं, ओमनिवर्स में कैटेगराइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो बियर फीड्स ऑन फ्रूट्स, बेरीज, इंसेक्ट्स, फिश एंड समटाइम्स ऑन स्मॉल एनिमल्स. देखो अभी हमने ओमनिवर्स की बात करी थी, क्या था वो, जो प्लांट्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स भी खाते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइक डॉग, कैट, पिग, क्रो एंड कॉकरोच आर ऑल्सो ओमनिवर्स. इन्हें किस में कैटेगराइज करा जाता है, जो प्लांट भी खा रहे हैं, विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. सेविंग वाइल्ड एनिमल्स, देखो सेविंग वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट आर द होम टू वाइल्ड एनिमल्स, कटिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मैनी एनिमल्स हैव डाइड बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर होम्स. अब सेविंग वाइल्ड एनिमल्स क्यों हमें फॉरेस्ट को सेव करना होता है, क्योंकि वो होम होते हैं काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के. ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट आर द होम टू वाइल्ड एनिमल्स. कटिंग ट्रीज एंड डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अगर हम फॉरेस्ट के ट्री को कट करते हैं या फिर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो क्या होता है, एनिमल्स का होम डिस्ट्रॉय होता है, वो नहीं रह पाते क्योंकि उनका होम ही वही होता है, तो वो कहाँ रहेंगे. द नेक्स्ट, सो इफ वी कट डाउन द फॉरेस्ट, मैनी एनिमल्स लॉस्ट देयर होम्स, द नंबर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज डिक्रीजिंग बाय डे. देखो क्या होता है, इफ़ वी कट डाउन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम कट करते हैं, ट्रीज हम कट करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, देन सो मैनी एनिमल्स डाइड, सो मैनी हैव लॉस्ट देयर होम्स. तो इससे एनिमल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं डे बाई डे. एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन, फैदर्स और बोन्स. एनिमल्स आर ऑल्सो हंटेड फॉर स्किन, बोन्स, फैदर्स, टस्क. एनिमल्स सच एज लियोपर्ड एंड टाइगर आर किल्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर स्किन. स्किन के लिए हम कट करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं, एंड वी शुड नॉट डू हंटिंग. एनिमल्स इज किल्ड फॉर इट्स टस्क. राइनोसॉरस आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स. राइनोसॉरस को क्यों हंट करा जाता है, फॉर देयर हॉर्न्स. वी मस्ट स्टॉप बींग क्रूअल टू एनिमल्स, एंड दिस इज अ क्रुएलिटी वी आर डूइंग विद द एनिमल्स, डूइंग टू द एनिमल्स. सर्टन एनिमल्स सच एज टाइगर, राइनोसॉरस, पांडा एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर वेरी फ्यू इन नंबर्स नाउ. अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर या बहुत कम बचे हुए हैं. कुछ तो ऑलरेडी जा चुके हैं, कुछ तो ऑलरेडी एक्सटेंट हो गए हैं जो अभी नहीं हैं, और कुछ बहुत कम बचे हैं, जैसे टाइगर, राइनोसॉरस, पांडा एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. एनिमल्स डेट आर वेरी फ्यू इन नंबर एंड मे सून डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज. उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स. उन एनिमल्स या उन स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं जो सून एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या डिसअपियर हो जाएंगे, बहुत लेस है नंबर में और बहुत जल्दी गायब ही हो जाएंगे, वो एनिमल्स होते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स. इफ़ वी डू नॉट प्रोटेक्ट देम, दे विल सून डिसअपियर. अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम टाइगर की हंटिंग नहीं रोकेंगे, अगर हम कंटिन्यूसली टाइगर की हंटिंग करते जाएंगे, तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, एंड वी शुड स्टॉप दिस. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस एंड गवर्नमेंट टू टेक सम नेसेसरी एक्शंस टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. इसीलिए हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये सब चीज़ें करें, एनिमल्स की हंटिंग ना करें, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना करें. सो वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर नंबर 3, वाइल्ड एनिमल्स. थैंक यू.